हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इनकी मदद से आज हम जानेंगे कि हेलो स्टूडेंट्स, देखिए दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और बहुत ही आसान सा एक प्रश्न मैं आपके लिए लाया हूँ। देखिए दोनों सेंटेंसेस में यहाँ पर जो है ब्लैंक दिया हुआ है और इन दोनों के पीछे जो वर्ड आया हुआ है वो है स्कूल। अब आज हम इस सेंटेंस में देखेंगे, इन सेंटेंसेस में देखेंगे कि इन दोनों में से किसके साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, क्या दोनों के साथ या दोनों के ही साथ नहीं किया जाएगा या किसी एक के साथ किया जाएगा। किसी एक के साथ किया जाएगा तो किसके साथ और क्यों। देखिए आप जानते हैं द जहां लगाया जाता है वो उसके साथ आने वाले वर्ड के अनुसार लगाया जाता है और उसी के मुताबिक उसका प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ दोनों ही सेंटेंसेस में स्कूल आया है और सेंटेंस भी लगभग समान है। देखिए माय फादर गोज टू ब्लैंक स्कूल दिल्ली, दिल्ली माय फादर वेंट टू स्कूल टू डिपॉजिट माय फी। तो इनमें से एक के साथ द लगेगा और एक के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। अब आप यहाँ कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेंपल, प्रिजन, जेल, सिनेमा, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं तो हम इनके पहले द लगाते भी हैं और नहीं भी। तो कहाँ लगाते हैं हम आज इस वीडियो में ये जानेंगे। देखिएगा ये जो स्थान यहाँ पर दिए हुए हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेंपल, प्रिजन, जेल, सिनेमा, इस तरह से, तो अगर इन स्थानों पर इनके प्रॉपर उद्देश्य के लिए, यानी कि जिस लिए ये बने हुए हैं, जैसे स्कूल पढ़ने पढ़ाने के लिए, कॉलेज पढ़ने पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल मरीजों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, टेंपल पुजारी के लिए और भक्तों के लिए, प्रिजन जेल, प्रिजन माने कारागाह, जेल माने जेल, आप जानते हैं दोनों लगभग समान ही शब्द हैं लेकिन इनका विस्तार है, जेल जेल छोटी जगह होती है और प्रिजन कारागाह बड़ी जगह होती है। तो खैर, तो ये जो शब्द बोर्ड पर लिखे हुए हैं इनके पहले द लगेगा, कब, तब जब ये स्थान जिस उद्देश्य के लिए बने हुए हैं, जैसा मैंने आपको बताया स्कूल या तो विद्यार्थी जाएगा या टीचर जाएगा, तो जिस उद्देश्य के लिए ये बने हुए हैं, जैसे हॉस्पिटल में या तो मरीज जाएगा या डॉक्टर्स जाएंगे या वहाँ के एम्प्लॉयज जाएंगे, तो जिस उद्देश्य के लिए बने हुए हैं अगर इन स्थानों पर इनके उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जाया जा रहा है तो आप इनके पहले द शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी जैसे स्कूल में विद्यार्थी पढ़ने जा रहा है, टीचर पढ़ाने जा रहे हैं, हॉस्पिटल में मरीज अपना इलाज करवाने जा रहा है, डॉक्टर्स मरीजों का इलाज करने, उनको ट्रीट करने के लिए जा रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए ये बने हुए हैं उन्हीं उद्देश्यों के लिए अगर इन स्थानों पर जाया जाएगा तो आप वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इन स्थानों पर इनके मूल उद्देश्य से अलग किसी और कारण से जाया जाएगा तो फिर आप वहां पर द आर्टिकल लगा देंगे। यानी इनके मूल उद्देश्य से, जैसे पढ़ने या पढ़ाने के अलावा किसी और काम से आप स्कूल जाते हैं, इलाज करवाने या इलाज करने, जैसे डॉक्टर जाता है, के अलावा आप किसी और काम से हॉस्पिटल जाते हैं, पूजा करने या पुजारी पूजा करने या भक्त वहाँ मंदिर में भगवान की स्तुति के लिए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा किसी और काम से वहाँ जाते हैं, तो ऐसी सूरत में उनके उद्देश्यों से अलग उद्देश्य हुआ ना, तो अगर किसी और उद्देश्य के लिए जाते हैं तो आप द लगाएंगे। समझ रहे हैं, जैसे आप देखिए My father goes to school daily, यानी कि मेरे पिताजी एक टीचर हैं, या मैं कह दूँ I go to school daily, I go to school, ठीक है, I go to school daily। अब देखिएगा आप यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगा है इस जगह, क्योंकि मैं रोज़ाना स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ। इसी तरह मेरे पिताजी एक टीचर हैं और वह रोज़ाना विद्यालय जाते हैं पढ़ाने के लिए, मेरे पिताजी पढ़ाने के लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा।
लेकिन देखिएगा, माय फादर, मेरे पिताजी फिर स्कूल गए हैं, लेकिन माय फादर वेंट, मेरे पिताजी गए थे टू स्कूल, स्कूल गए थे टू डिपॉजिट, जमा कराने माय फी, मेरी स्कूल की फीस जमा कराने के लिए मेरे पिताजी स्कूल यानी विद्यालय गए थे। तो पढ़ने और पढ़ाने के अलावा कोई और, जैसे आपका लंच बॉक्स लेने के लिए गए, आपकी शिकायत कंप्लेन लेकर के स्कूल टीचर से कंप्लेन करने के लिए आपके पिताजी गए, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर उसके उद्देश्य से हटकर ये दूसरा काम हो गया है, इसीलिए यहाँ पर द लग जाएगा। तो माय फादर वेंट टू द स्कूल टू डिपॉजिट माय फी, यहाँ द हो जाएगा विद्यार्थियों। और जिस काम के लिए स्कूल बना है उस काम के लिए वहाँ जाया जाएगा, तो कोई आर्टिकल यानी द आप वहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो आज की क्लास में हमने जाना कि ये जो स्थान यहाँ दिख रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, प्रिजन, जेल, सिनेमा इत्यादि, तो इन स्थानों पर यदि आप इनके उद्देश्य के लिए, मूल उद्देश्य के लिए जिनके लिए बने हुए हैं वहाँ जाएंगे उनके उद्देश्य के साथ, तो आप वहाँ किसी आर्टिकल या द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आप उनके मूल उद्देश्य से हटकर जिनके के लिए ये स्थान बने हुए हैं यहाँ जाएंगे, उनके उद्देश्य से हटकर किसी और उद्देश्य के लिए जाएंगे, तो आप वहाँ पर द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ स्कूल, पिताजी टीचर हैं, रोज स्कूल जाते हैं, इसीलिए उसी उद्देश्य के लिए जाते हैं, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं है, जीरो आर्टिकल है। और यहाँ इस वाक्य में फीस जमा कराने के लिए पिताजी गए हैं स्कूल, तो कोई और उद्देश्य हो गया, अतः द लगेगा।